कहा जाता है। ये बहुत अच्छे स्टूडेंट है भाई, वो स्टूडेंट है उसमें भी बुराइयां होती, लेकिन बुराइयों का परसेंटेज कम होता है। कहा जाता है भाई ये अच्छे स्टूडेंट, जिनमें बुराइयों का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है बुराई। बात समझे, नोट कर लिया, अगली स्लाइड में चलें। फिर देखो कहा, अच्छा चलो ये तो समझ गए हम क्या करते हैं। अब देखो इसके एप्लीकेशंस क्या हो, एप्लीकेशन ऑफ पजा। तो एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, इसी से हम बताया करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, इसी से हम बताएंगे सॉलिबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए भी हम देखेंगे दो तरीके, एक पोलर और एक नॉन, और एक होता है कोवेलेंट करेक्टर। ब्रेक देखा करेंगे, आयनिक करेक्टर। फिर एक देखेंगे प्रेसिपिटेशन। लिख लिया,
बोलो भाई। अब देखो एक हिस्से में देखेंगे, एक होती है हमारे पास लैटिसनल, देखो लैटिसनल जी किसको बोलते हैं, सर हाँ सर आप पहले के स्लाइड एक मिनट दिखाएंगे। बताया साइज का टैन का छोटा होना चाहिए, मैन का बड़ा होना चाहिए, चार्जेस का टैन के लिए एप्लीकेशन जी ठीक है सर। अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब अगर हम लोग देखते हैं, एक होता है हमारे पास लैटिसनल। लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है, जैसे हम कोई गैसियस एटम तो NaCl के स्ट्रक्चर को देखें, NaCl को अगर हम क्या करें, एक Na का गैसियस एटम लाए और एक Cl का, और इन दोनों को मिला के जो हमने वन मोल NaCl बनाया हुआ, ये कितना था, तो वन मोल गैसियस एटम सोडियम के और वन मोल गैसियस एटम क्लोरीन, इससे जो मिला कंपाउंड NaCl वन मोल मिला, तो जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी हमें मिलती है, तो कभी भी आयंस, अब इसकी एनर्जी कम हो जाए तभी ये देखो कंपाउंड बना है और आयनिक कंपाउंड बना है, तो एनर्जी लेस हो जाएगी, तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये जो एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज होती है तो हम लोग इसको निगेटिव में को हम लोग बोला करते हैं, ये क्या होती है, इक्सोथर्मिक रिएक्शन, इक्सोथर्मिक, इक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट हो रही, निकल रही, हमें मिलती है ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि Na और Cl आयन वन वन मोल लाने पर जो हमें वन मोल NaCl मिलता है और जो एनर्जी रिलीज होती है इस लैटिस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। यानी एक तरीके से मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है, इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, रिप्रेजेंटेड बाय लैटिस।
यानी मिनिमम एनर्जी वी ऑब्टेन टू फॉर्म वन मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स पार्टिसिपेटिंग एटम्स इन गैसियस फॉर्म इट्स नोन एज लैटिस। देखो लैटिस एनर्जी में होता क्या है, लैटिस एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज Q1 Q2 बाई, यानी दो चार्ज होंगे और उनके बीच की जो डिस्टेंस। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, इसको ज्यादा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यानी साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन प्लस बना दे मैंने कैटायन और के माइनस बना दे, क्या होना चाहिए छोटा। इसका मतलब क्या होगा, मोर लैटिस। और क्या हो जाए, मोर चार्जेस हो कहां पर, ऑन कैट आयन एंड एन आयन। इसका भी मतलब क्या होगा, मोर लैटिस। ये क्या है, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी कम ज्यादा कैसे होगी, और लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, लैटिस एनर्जी को डिफाइन कैसे किया है, फोर्स अट्रैक्शन होता है। यानी एक तरीके से अगर दो चार्ज हो, जैसे मानो एक ये चार्ज और एक ये चार्ज और इनके बीच की अगर डिस्टेंस हुआ, तो हमारे पास लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला, दोनों चार्ज का मल्टीपल होगा, दोनों चार्ज का मल्टीपल होगा। अगर चार्ज ज्यादा होंगे तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, चार्ज अगर ज्यादा होंगे तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी। इसी को कहने का तरीका क्या हो गया, साइज ऑफ कैटायन और एनायन क्या होने चाहिए, छोटे होंगे। ये जो कैटायन और एनायन लगाओगे, ये जितने छोटे हों उनका साइज, आगे चला जाए। और एक बात याद रखो कि लैटिस एनर्जी जो बनती है वो किसके लिए होती है, लैटिस एनर्जी फॉर ओनली आयनिक कंपाउंड, नॉट फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। बात को नोट करके लिख लो, लैटिस एनर्जी होने पर आयनिक कंपाउंड,
not for overhead. एक हमें लैटिस एनर्जी मिल गया, अगर वन मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड हो और उसको गैसियस आयन में तोड़ने में जो एनर्जी दी जाती है उसी को हम लोग इसी का रिवर्स क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन है। एक होती है हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन क्या बोला जाता है, सॉल्वेशन। क्या है मिनिमम एनर्जी गिवन, बट वन मोल ऑफ आयन गैसियस है, हाइड्रेशन एनर्जी और इसका मतलब क्या है, ये उल्टा है लैटिस एनर्जी का, बात समझेगी नहीं। अगर हमें सॉल्युबिलिटी बताना है, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल कब होगा, एक हमारे पास होगी हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्यूशन। अगर ज्यादा होती है किससे, लैटिस एनर्जी, वो खत्म होने वाला है फिर हम लोग भी लॉग इन करेंगे, लैटिस एनर्जी तो हम लोग क्या कहेंगे कि कंपाउंड सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी कंडीशन। सॉल्युबिलिटी कंडीशन है इसके लिए क्या होना चाहिए,
तो इसको हाई वैल्यू है। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, और देखो आयनिक कंपाउंड कैसे हैं, पोलर है, पोलर सॉल्वेंट, कंडीशन फॉर पोलर। लिख लिया, तो हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी हायर देन लैटिस, देन आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो हमने क्या कहा, फजान्स रूल, फजान्स रूल क्या बताता है कि परसेंटेज बताता है, परसेंटेज बताता है आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट का परसेंटेज, ये किस पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, और क्या होते हैं चार्जेस ऑन, एक तरीके से यही दो फैक्टर हैं, पहला और दूसरा, फर्स्ट ये होता है और सेकेंड, फर्स्ट का ही पार्ट है देखो वो इन्हीं में से मतलब होता है, कैटायन का अगर चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, साइज छोटा होगा, जब साइज छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, पॉजिटिव, समझ में आ रही बात, हाँ सर सही तुम्हें, जी सर समझ में आया, इसका हाँ सर बहुत इम्पोर्टेंट, फिर इसी में हमने दूसरी बात बताई, कहा इसका हम लोग एप्लीकेशन मेन कर, इसका एप्लीकेशन कहाँ, देखो मेल्टिंग पॉइंट होगा, और मेल्टिंग पॉइंट कब होता है, देखो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, आयनिक का कि कोवेलेंट, जल्दी बताओ आयनिक होगा तो उसमें चार्ज होंगे, चार्जेस होंगे तो कूलम्बिक फोर्स लगेगा, तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और कोवेलेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो अगर आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक का परसेंटेज ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाया करेगा, तो सॉल्युबिलिटी देखना है, सॉल्युबिलिटी के लिए हमने बताया कि हमारे पास दो टर्म होते हैं, एक होता है सॉल्युबिलिटी बताने के लिए हमें बताना होगा लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या कहते थे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था किसके किसके बीच में, कैटायन एनायन के बीच में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट होके ये जो चेंज हो जाते हैं, और इसी का उल्टा वो क्या होता है, रिवर्स होता है, साल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, तो लैटिस एनर्जी की पहले कंडीशन बताई, लैटिस एनर्जी की ज्यादा होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, कैटायन और एनायन का साइज ज्यादा होना चाहिए, कैटायन और एनायन पर चार्ज ज्यादा होंगे तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, वो कहां से देख रहे हैं, देखो ये फार्मूले से, अगर चार्जेस की वैल्यू ज्यादा होगी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी,
अगर इनके साइज छोटे होंगे आर की डिस्टेंस कम होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ से हमने लैटिस एनर्जी डिफाइन किया। फिर कहा लैटिस एनर्जी किसके लिए डिफाइन होती है, केवल आयनिक कंपाउंड के लिए, ये कोवेलेंट में लैटिस एनर्जी नहीं पता चली जाती। फिर कहा हाइड्रेशन एनर्जी है या सॉल्वेशन एनर्जी है, ये क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है। कौन सी, वो जो लैटिस एनर्जी के बराबर अगर हमने एनर्जी दे दी तो वो कंपाउंड अब गैसियस एटम में टूट जाएगा, तो हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी है। तो अब अगर कहीं हमारी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी हो और वो कैसा है, पोलर है, तो पोलर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी शो करेगा। अगर पोलर नहीं है तो वो सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, समझ गए बात को। अब देखो एक एक को हम लोग देखते हैं। एक हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी होगी, एक लैटिस एनर्जी होगी। क्या देखो, हमें फिर रीलॉग इन करना होगा, साइन करना और हम ये ठीक से करते हैं। एक बार फिर से रीलॉग इन कर लेते हैं।